ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में राजनीतिक दंगल के बीच अब सरकार बनाने के लिए शिवसेना भाजपा को राम का वास्ता दे रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले ही तय हो गया था, जिसका मतलब कैबिनेट पोस्ट में बराबर की हिस्सेदारी है। हम सभी राम में विश्वास रखते हैं, तो राम की तरह प्राण जाए पर वचन न जाए की नीति भी अपनानी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि गठबंधन का धर्म निभाना जरूरी है, ऐसे में हमें 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं मिलना चाहिए। संजय राउत ने कहा, बीजेपी को 105 सीटों के साथ सरकार बनाने के लिए कौन रोक रहा है? अगर ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि सरकार के लिए 145 का आंकड़ा चाहिए। अगर कोई लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है तो ऐसे नहीं चलेगा। सरकार बनाने में हो रही देरी पर शिवसेना सांसद ने कहा कि अगर सरकार बनाने में देरी हो रही है तो हमारी गलती नहीं है। राउत ने बीजेपी को गठबंधन धर्म निभाने की याद दिलाते हुए कहा कि भाजपा को 50-50 फॉर्मूले को निभाना चाहिए। उन्होंने भाजपा की रणनीति पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव से पहले विपक्ष को खत्म करने की बात हो रही थी, लेकिन ये क्या हुआ। इसी बीच शिवसेना के एनसीपी के साथ सरकार बनाने की उड़ रही अफवाहों पर राउत ने कहा कि हमने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है, ये काफी जल्दबाजी होगी। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में सब संभव है, विकल्प हमेशा खुले रहते हैं, जैसे अभी आपको हरियाणा में देखने को मिला है। वहां बीजेपी ने बिना हुकूमत के ही सरकार बना ली, उन्होंने ऐसे संगठन से हाथ मिलाया जो उनके खिलाफ था। इस तरह का बयान देकर शिवसेना ने साफ कर दिया है कि अगर भाजपा उनके साथ सत्ता में बंटवारा नहीं करती है तो उन्हें आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शरद पवार की शरण में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने मुखपत्र में शरद पवार और उनकी लीडरशिप की तारीफों के कसीदे गढ़ उन्होंने सत्ता की कुर्सी तक जाने का सेतु भी तैयार करना शुरू कर दिया है। हालांकि शरद पवार ने हाल ही में एक बयान देकर साफ किया था कि वे गठबंधन करने की बजाय विपक्ष में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन रोहित पवार और पार्थ पवार के सियासी भविष्य को देखते हुए ये सौदा बुरा नहीं है। वहीं भाजपा को केवल सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस की शिवसेना और एनसीपी के संभावित अलायंस को मौन स्वीकृति है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।